सैमसंग M12 कीबोर्ड टीम सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिवाइस में कीबोर्ड टीम सेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है दोस्तों कीबोर्ड का थीम यहाँ पे बदलना है, तो मैं अपना जो है यहाँ पर कीबोर्ड थीम को आपको शो करके बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का थीम मैंने सेट किया करके रखा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक। तो आप भी इस प्रकार से अगर यूज़ कराए और आपको ये पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं आपको शो करके बताऊँगा कैसे आपको चेंज करना है कीबोर्ड के थीम को। वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड का जो यहाँ पे थीम है, ठीक है, कीबोर्ड का जो थीम है उसको चेंज करने के लिए आपको नंबर 5 और 6 के ऊपर में एक सेटिंग आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक करना है। तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा थीम्स, तो जाइए और यहाँ पर खुद का भी थीम बना सकते हैं आप माई थीम्स पर जाके, ठीक है। तो खुद का भी थीम बना सकते हैं आप माई थीम्स पर जाके, और सिस्टम का भी यहाँ पर आपको कई सारे थीम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। डार्क ग्रेडियंट्स पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट ग्रेडियंट्स पे आपको मिल जाएगा, लैंडस्केप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कलरफुल्स यहाँ पर आपको जो है सीनरीज वगैरह का थीम्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए कोई एक सेट करके देखते जस्ट डेमो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा सबसे पहला वाला। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग अभी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीबोर्ड, तो एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं जीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी पे ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते थीम जो है कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है। तो अगर आपको सेट करना है इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है तो सेम सेटिंग आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों जीबोर्ड का। अभी आप जो है सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो सैमसंग कीबोर्ड में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, हो भी सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थीम मिलेगा जो कि लाइट है और डार्क है, उस तरीके का थीम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। थीम यानी आप लाइट मोड कर सकते हैं, या नीचे पे आप देख सकते हैं सॉलिड लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, या फिर सॉलिड डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे ये थीम सेट कर सकते हैं, और दूसरा कोई थीम आपको नहीं मिलेगा जैसे कि मैंने वहाँ पर जीबोर्ड में आपको शो करके बताया था, ठीक है। तो सैमसंग कीबोर्ड में अगर आपको थीम सेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, जीबोर्ड में करना है तो पहला वाला सेटिंग आप फॉलो कर सकते हैं। तो जीबोर्ड दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेगा, जीबोर्ड जो है आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। तो गूगल आपको मिलेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।